अलवर शहर में बुधवार को सुबह एक बार फिर से पैंथर के रिहायशी इलाके में घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के जयकृष्ण क्लब में एक पैंथर घुस गया और पैंथर आने से क्लब में भ्रमण करने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कुछ ही देर में यह सूचना आग की तरह सब तरफ फैल गई। सूचना पर पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद भीड़ को हटाया और पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। फिलहाल पैंथर को पकड़ने का कार्य जारी है और गौरतलब है कि पिछले महीने में भी एक पैंथर शहर में घुस गया था। लगातार पैंथर्स के शहर में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। पैंथर के रिहायशी इलाके में घुसने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जयकृष्ण क्लब में पैंथर घुसने से यहां भ्रमण करने आए लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहीं यह सूचना आग की तरह हर तरफ फैल गई। मौके पर वन विभाग की टीम और साथ ही स्थानीय पुलिस पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन पैंथर को पकड़ने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। आपको बता दें, कुछ समय पहले भी यहां रिहायशी इलाके में पैंथर घुसने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और एक बार फिर से जयकृष्ण क्लब में पैंथर घुस जाने से स्थानीय लोग एक बार फिर से डरे सहमे नजर आए। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। चंद्रशेखर, कुछ ही दिनों में ये दूसरी घटना है जब अलवर के रिहायशी इलाकों में पैंथर को देखा गया। चलिए, तकनीकी खामी के चलते चंद्रशेखर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि अलवर में ये करीब एक महीने में दूसरी घटना है जहां रिहायशी इलाके में पैंथर को देखा गया। ये वन टीवी की एक्सक्लूसिव खबर है, साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जयकृष्ण क्लब में किस तरह से पैंथर घुस गया और सीसीटीवी कैमरे में ये पिक्चर्स कैद हो गए और जिसके आधार पर इसकी पुष्टि हो पाई। वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। करीब एक महीने में यह दूसरी घटना अलवर में कि रिहायशी इलाके में पैंथर घुस गया। इससे पहले भी एक घर में पैंथर को देखा गया था और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 5 से 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पैंथर को पकड़ने में सफलता हासिल हुई थी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।